29 जून सन 2021, ये वो दिन था जो मेरे करीबी दोस्त कासम साफी और फाइक हमदर्द मुझसे मिलने हमारे इलाके में आए थे। हसब रिवायत चाय पानी पीने और खूब हंसी मजाक के बाद हम अपने व्लॉग की सफर पर रवाना हुए। डिस्ट्रिक्ट नौ शहरा के हम दासी दिलेशी दासी खुली खुली अब शारुना के दिलेशी वक्त मखामे दे डेर जातना वक्त दे आग सीन आग मनाजिर चिकुम दिया गबज दास तो सही उन्हों को दिलेशम ओए तास बड़ी कुछ हुई ना ना दिल तक की संग कुछ हुई यार पदी जी बांधे पदी दास पदी बांधे। ये व्लॉग हमारे लिए हमारी ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक व्लॉग साबित होगा। ये हमने अपनी ज़िंदगी में कभी सोचा भी ना था, क्योंकि हम सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करते। जो हमने अपने आँखों से देखा उन पर यकीन करते हैं और वो हमारे लिए हकीकत है। सबसे पहले हम काका साहब रोड के पिरानू गांव के डेमो में गए। वहाँ जाकर हम कई मीटर ऊंचे आबशार और कुदरती हसीन मनाजर से खूब लुत्फ अंदोज हुए। खूब इंजॉयमेंट के बाद चारों तरफ पहाड़ों पर अंधेरा छा गया और हम अपने घर की तरफ वापस निकले। जब हम अपने घर वापस आ रहे थे तो रास्ते में अकबर बादशाह का किला, जिसको अकबर बादशाह के रंगमहल के नाम से भी याद किया जाता है, ये तकरीबन 450 साल पुरानी है, वो हमारे रास्ते में आती है। वो दोस्त इसी रंगमहल के करीब रुकने के लिए जिद कर रहे थे ताकि अपने व्लॉग को खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ से कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड करें और इस बात का पता लगाएं कि आया हुआ कि यहाँ पर जिन्नात के ठिकाने हैं या नहीं। तो मैंने भी इनकार न किया और दोस्तों के इसरार पर वहाँ रुक गया। इस वक्त रात के तकरीबन 9 बजे हैं। जो ही हम किले के अंदर दाखिल हुए तो हमारे माथों पर पसीना आ गया और हमारी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गया। और जो बंदा हमारी तरह इनको सुनी सुनाई बातें और झूठ समझ रहा हो तो वो बेशक यहाँ आकर यहाँ पर सब मनाजिर देख सकता है। ये सारी वीडियो हकीकत पर मबनी है, क्योंकि हम न झूठ बोलते हैं और न झूठ बोलने वालों का साथ देते हैं। उसके बाद जो हमने मंजर देखा वो जरा आप भी मुलाहजा। जब हम तहखाने के अंदर दाखिल हुए और हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, अभी एक मिनट भी नहीं गुजरा था कि हमें किसी के मौजूदगी का एहसास हो गया। किसी के पैरों के धीमी धीमी सी आहट महसूस हुई और ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ हमारे अलावा कोई और भी मौजूद है। मगर हम खामोश रहे और सोचा कि हो सकता है कि यह हमारा वहम हो। मेरा ये दोस्त कासम साहब, इन्होंने कहा कि मैं एडवेंचर का बहुत शौकीन हूँ, इसलिए मैं इनको यहाँ ले गया। नहीं यार, सीरियसली जो निहायत बिल्कुल तकरीबन शपे 9 बजे टाइम दे। और तकरीबन एक मिनट बाद तहखाने के अंदर किसी के आने की आवाज इतनी तेज हो गई कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए और हम वहां से सर पर पैर रख कर भाग निकले। ठीक दा मणा दस दगाने के यार सी पग बंद बना लेदा हदर ता पतर दा ध्रुम जे दे जालिम ता सुदा कते छी पैमान जमा रो दस द्रसी के एक कल रे फ्री रु दे ले दस यारा ठीक दा मणा ठीक दा जता तमे मच मर ये किन हो गया और ये उसाड़े ही न मानी अबल अशपम जम फल टीम सारा मंग रागली उखा दश पे तकरीबन नहनी स्तरग स्तरग की जड़ा दस स्तरग की जड़ा स्तरग की जड़ा प्रे दौड़ी जमा स्तर बल शोम मंग पा दश पे पनहनी में बजे रागो मतलब अजीबा फीलिंग की अजीबा फीलिंग प्रे दो उस राजी दीजिए ना तख्त खतरनाक आवाज न अंदर दवा और ये वापस लड़ो तो कासम साहब।
اوس دیجی ته ورسی اوس ورش کنه دا دا دی غو لار دا کنه دلته راوتی دا هغه لار ته د دیجی نه تخت تاسو بایکونه را روانه یہ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری زندگی تو بچ گئی، مگر ہمارے اسی ولاگ نے ہمیں زندگی کے دو سب سے بڑے سبق دیے، ایک یہ کہ زندگی میں کبھی بھی غیر مخلوق کو چیلنج نہ کرے، اور دوسری یہ کہ کبھی کبھی سنی سنائی باتیں بھی سچ ثابت ہو سکتی ہے۔ تاسو به سوچ کوئ چې لکه اکثر زیاتره په میډیا باندې خلک راشي داسې د شپې خطرناک ترین ځایونو ته لاړ شي، هلته ولاګ کوي، ویډیو کوي، نو مې بي چې لکه هغه دروغ خوم وي، خو دا ځای چې کوم و دا موږ سره څه وکړو که نه، دا هلته کې جسه کېدل دی کې لږ دروغ خوم نو، او بیا داسې ځایونو ته چې لاړ شي داسې مې اورېدلي چې لکه کم ځای ته لاړ شي هلته کې او پتا باندې یخنی شانت راځي چې کوم ځای درون وي، نو دلته کې زمونږ یخنی خو پرېږده زمونږ په سترګو کې اوښ کې راتلې سمې خولې راباندې راتلې، او دا زړه چې دی زړه بل بل رنګه کېدل، خو په هر حال کسان درې وو، خو اوښکې نه دي وچې، کسان درې وو، نو هغه یاره چې کوم هغه نه وه بایک صاحب څه ویل غواړئ یاره؟ تیز وایه تیزه بالکل څه نشي نشي زړه مې کار خوله دې وچکه خا بیا پرېږده.